हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही मुख्य चीज के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम याद करेंगे जो 14 फरवरी को एक बहुत ही दर्दनाक घटना भारत में हुई थी, जहां पर 40 से भी अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, जिस व्हीकल में वो यात्रा कर रहे थे, कुछ आतंकवादियों के हमले के कारण वहां पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, जिसमें इनकी मौत हुई और ये भारत देश के लिए शहीद हुए। तो मेरे भाई बहनों से विनती है कि आपसे जितना हो सके जो जो सपोर्टिंग मोड है, हम नहीं जानते हैं कौन सा सही है, आप खुद रिसर्च करके उन सपोर्टिंग मोड्स के द्वारा इन शहीद जवानों के परिवार को आप सहायता दे सकते हैं। 2 मिनट के लिए चलिए हम साथ में मिलकर एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमारे इस सीआरपीएफ जवान और उनके परिवार के लिए देते हैं। चलिए साथ में, और इस वीडियो ट्रिब्यूट के बाद हम प्रार्थना करेंगे। ये वीडियो क्लिप जो है एक यूट्यूबर है, अमन अरोरा, उन्होंने बनाया है और उसको हम ट्रिब्यूट के तौर पर पेश करेंगे। बने रहिए इस ट्रिब्यूट के लिए हमारे साथ। कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, एक बूंद तक ना बचाई इस तन के वास्ते। यूं तो मरते हैं लाखों लोग हर रोज, पर मरना तो वो है जो जान जाए वतन के वास्ते। आओ झुक कर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी। सरहद पे मरने शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। धन्यवाद दोस्तों। और हम आदर करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने अपना खून बहाकर आपको और आपके परिवार को सलामत रखा है, हमको सलामत रखा है, उन हमारी हिफाजत में उन्होंने खून बहाई है। तो एज अ क्रिश्चियन हम यहाँ पर उनके परिवार के लिए दुआ कर सकते हैं। सो प्रोफेसर अकबर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शहीद जवानों के परिवार के लिए आप प्रार्थना विनती करें ताकि प्रभु यीशु उनको एक सांत बना दें। हम सब इन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं और आप सब मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे आसन के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं इन सारे जवानों के परिवारों के लिए जो है परमेश्वर, उनके उनके टूटे हुए दिलों को और परिवारों को परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप संभालिए, उनको हौसला दीजिए, उनके उनके सारे जरूरतों को पूरी पूरा कीजिए परमेश्वर। और इतना इतना नुकसान हुआ है इस देश का, इतने सारे जवानों को हमने खोया है परमेश्वर,
और भी तू जवानों को इस भारत देश में खड़ा कर, ताकि वो इस देश की हिफाजत कर सके। और परमेश्वर, इन सारे परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं कि उनको इत्मीनान दो, उनके घरों में शांति दो, क्योंकि आप शांति के राजा हैं। और कोई हमारे जिंदगी में हो या ना हो, आप संभालते हैं हमें। तो इन सारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन परिवारों को संभालिए और उनके हर एक जरूरतों को पूरी पूरा कीजिए और उनको हौसला दीजिए परमेश्वर। और इन परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद कहना चाहेंगे एक बार फिर हम हमारे सारे जवानों के लिए और जो सरहद पर हैं, आर्मी में हैं। लगातार आप अपने व्यक्तिगत रूप के प्रार्थना में इनको याद कीजिए, क्योंकि इनके वजह से आज हम भारत में सुरक्षित हैं। तो इनको प्रार्थना में याद करना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए इसी